भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में पालमपुर में भारतीय राज्या पेंशनर महासंघ की राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 29 दिसंबर को किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सभागार में आयोजित किए जाने वाले अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वह केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश सरकार के मंत्री व विधायक भी शिरकत करेंगे। ये बात भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पालमपुर में कही। भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में पालमपुर में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 29 दिसंबर को किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सभागार में आयोजित किए जाने वाले अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश सरकार के मंत्री व विधायक भी शिरकत करेंगे। ये बात भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पालमपुर में कही। घनश्याम शर्मा ने कहा कि इस अधिवेशन में 22 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में पेंशनरों के अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से पेंशनर कल्याण बोर्ड के गठन का मुद्दा सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही JCC गठन व कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की बात भी उठाई जाएगी। HRTC से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुचारू पेंशन व्यवस्था पर भी बात की जाएगी। घनश्याम शर्मा ने बताया कि 28 दिसंबर को भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की बैठक ढाड़ में होगी। कर्मचारी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के पेंशनर समाज के प्रतिनिधि 28 और 29 दिसंबर को पालमपुर में आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन पालमपुर की इस वीर भूमि में हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, जितने लोग सरकारी सेवाओं में सेवारत हैं उससे ज़्यादा संख्या पूर्व में सरकारी सेवाओं में नौकरी कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों की हो गई है। प्रदेश और देश के तमाम पेंशनरों की तकलीफें, उनकी मांगें, इन सब को लेकर के ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने एक प्रयास किया और उस प्रयास के चलते 28 और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन पालमपुर में हो रहा है। इस ये अधिवेशन दो चरणों में होगा। तो 28 तारीख को राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक डाड़ में होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय विपिन सिंह परमार जी करेंगे और उनके साथ नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण मेहरा जी और धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया जी रहेंगे। और 29 दिसंबर का जो हमारा ओपन खुला अधिवेशन है वो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभागार पालमपुर में हो रहा है, जिसमें प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इस देश के बहुत ही नौजवान सांसद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, MOS वित्त एवं कॉरपोरेट सेक्टर, वो भी आ रहे हैं।